हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू आवर हारमोनियम लेसन्स। तो आज मैं एक एडवांस लेसन लेके आया हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग हारमोनियम सीखने में काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने, जैसे कि आपने थंबनेल से देखा कि 21 दिन में हारमोनियम सीखिए, तो वाकई में आप 21 दिन में हारमोनियम सीख सकते हैं अगर आप थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं। दिन में डेली 4 से 5 घंटा मेहनत करेंगे 21 दिन के लिए, तो गारंटेड मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप 21 दिन में हारमोनियम सीख सकते हैं। तो ये जो लेसन होंगे एडवांस लेवल के लेसन होंगे, बट इससे पहले आपको थोड़ा पहले हारमोनियम की बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है। आपका पहले थोड़ा बहुत हाथ चलता हो तभी आप इन चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाएंगे, तभी आप 21 दिन में हारमोनियम सीख सकते हैं। जो बिल्कुल फ्रेश हैं, बिगिनर हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। सीख वो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये थोड़े एडवांस टाइप के लेसन हैं जिसमें हम कवर करेंगे आपका स्वर ज्ञान, हारमोनियम पर आपकी उंगलियां, प्लस आपके कुछ गाने भी हम कवर करेंगे। तो पूरे 21 दिन में हम ये पूरा पैटर्न ख़त्म करेंगे हारमोनियम को सीखने का। तो जो आज मैं इस वीडियो में लेसन बताऊंगा आपको, आपको वो लेसन आज के ही दिन में ख़त्म करना है। मैं अभी शुरू करूंगा, थोड़ी देर में वो लेसन मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले थोड़ी कंडीशंस हैं, वो समझ लीजिए कि इस लेसन को आप आज ही ख़त्म करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसको 5 मिनट में ख़त्म करें, चाहे 10 मिनट में ख़त्म करें, चाहे 1 घंटा ख़त्म करने में ले रहे, चाहे 5 घंटे ख़त्म में करने में ले रहे, बट आपको एक ही दिन में ख़त्म करना है। लेसन ये है कि आज मैं आपको कुछ 7-8 अलंकार बताऊंगा। हर एक अलंकार को मैं सिर्फ एक ही बार रिपीट करूंगा, बस आपको उसी में ध्यान से देखना कि मैं उसको कैसे बजा रहा हूँ, उसमें कौन सी उंगलियाँ लगा रहा हूँ। और ये अलंकार मैं मेट्रोनोम के साथ बजाऊंगा, ये थोड़े एडवांस टाइप के अलंकार हैं। स्लो स्लो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो अलंकार मुश्किल होता जाएगा, अलंकार लंबा होता जाएगा। आपको एक ही बार में ध्यान से देखना है, प्लस आपको ऊपर उसका नोटेशन मिलेगा अलंकार का, उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस आपको फोकस करना है कि मैं क्या बजाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको कैसे बजा रहा हूँ, और आपको सेम वैसे ही बजा के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो स्लो स्पीड से शुरू करेंगे, मेट्रोनोम के साथ बजाऊंगा। ये अलंकार आपको करने हैं और ये लेसन आज के दिन में ही ख़त्म करना है, तभी आप कल जब एक दिन ये लेसन मैं एक दिन के बाद फिर रिपीट करूंगा, यानी कि आज मैंने लेसन दे दिया तो एक दिन का मैं गैप दूंगा, तो दूसरे दिन फिर तीसरे दिन मैं सेम दूसरा लेसन डालूंगा, तो उसमें कुछ नई एक्सरसाइज होंगी। तो ये पहले लेसन से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो पहला अलंकार मैं बजाने जा रहा हूँ मेट्रोनोम के साथ, देखिए। अलंकार
अलंकार। तो अभी इस लेसन में मैंने आपको 6 अलंकार बताए हैं, 6 ऐसे एक्सरसाइज बताए हैं जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये मैंने आपको स्लो स्पीड में बजाए हैं, बट अभी आपको इनको फास्ट स्पीड में भी प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे अभी 120 की स्पीड में बजा के दिखाया, तो आपको ये 150 की स्पीड में भी बजाना है, 200 की स्पीड में भी बजाना है, 250 की स्पीड में भी बजाना है। तो अभी एक बार 200 की स्पीड में बैक टू बैक देखते हैं। तो पहले अलंकार से शुरू करने जा रहा हूँ। सा नी सा धा नी धा नी पा धा पा धा मा पा मा पा धा मा धा मा रे रा रे रा सा रे रा मा रे रा रे मा रे रा मा पा धा मा धा पा धा मा पा धा मा पा मा धा मा पा धा नी पा धा पा नी पा धा नी सा नी सा धा सा नी धा पा नी धा नी पा नी धा पा मा धा पा धा मा धा पा मा धा पा मा पा धा पा मा धा रे मा धा मा रे मा धा रे सा रे धा मा पा रे धा रे मा रे धा मा पा धा धा मा धा पा धा मा पा धा नी मा पा मा धा मा पा धा नी सा नी सा धा सा नी धा पा मा नी धा नी पा नी धा पा मा धा पा धा मा धा पा मा धा रे पा मा पा धा पा मा धा रे सा रे धा मा पा धा रे धा रे मा रे धा मा पा धा नी धा मा पा धा नी सा नी सा धा सा नी धा पा मा धा नी धा नी पा नी धा पा मा धा रे धा पा धा मा धा पा मा धा रे सा रे धा मा पा धा नी रे धा रे मा रे धा मा पा धा नी सा नी सा धा सा नी धा पा मा धा रे नी धा नी पा नी धा पा मा धा रे सेम इसी तरीके से अभी मैंने 150 की स्पीड में बजाया, तो सेम इसी तरीके से बैक टू बैक बिना किसी अलंकार में एक पल के लिए भी रोके आपको 180 की स्पीड में बजाना, 180 की स्पीड में बजाने के बाद 200 की स्पीड, फिर 250 की स्पीड। इस तरीके से ये एक्सरसाइज, ये 6 अलंकार आप बोल के ही बजाएंगे, बिना बोले नहीं बजानी कोई भी एक्सरसाइज, बोल के ही बजानी है और डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में बजानी है। तो ये है आपका पहला एक्सरसाइज। देन ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आप इसको यहाँ से दूसरी कली से भी बजाइए, तीसरी से भी बजाइए, चौथी से भी बजाइए, ये 4 स्केल से आपको ये 6 अलंकार आपको बजाने हैं। जैसे मैंने आपको पहले काले से बजा के दिखाया, सेम आप इसी को दूसरे काले से भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में बजाएंगे, स्लो मीडियम फास्ट में, दूसरी काले से हो जाए फिर तीसरी काले से, तीसरी काले से हो जाए फिर चौथी काले से। तो आपका समझिए पहले दिन का काम आपने कंप्लीट कर लिया, पहले दिन का होमवर्क आपका कंप्लीट, आप दूसरे लेसन के लिए रेडी हैं। अगर जब आपको नेक्स्ट लेसन तब तक नहीं प्रैक्टिस करना जब तक आपका ये पहला लेसन नहीं कंप्लीट होता है ना। मेरा टारगेट है 21 दिन का, 21 दिन में मैं आपको कुछ ऐसे एडवांस एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आप यही टारगेट 21 दिन में ख़त्म करते तो आप 21 दिन में बहुत अच्छा हारमोनियम बजाने लग जाएं, गारंटेड, ये मेरी गारंटी है। बट इसको आपको स्ट्रगल करते करते, प्रैक्टिस करते करते आपको कम से कम 4-5 घंटे डेली लग जाएंगे एक एक्सरसाइज, एक लेसन को तैयार करते करते। अगर आप इस तरीके से आप करने के लिए रेडी हैं तो आप गारंटेड 21 दिन में हारमोनियम सीख सकते हैं। अगर आपका मान के चलिए आपको लगता है कि आपका पहले दिन में ये नहीं लेसन हुआ, आप उसको 2 दिन में ख़त्म कर लीजिए, 2 दिन में नहीं हो रहा तो 3 दिन में कर लीजिए ख़त्म, है ना। 3 दिन में पहला लेसन ख़त्म करने के बाद फिर दूसरे लेसन पे जाना, सडनली पहला लेसन छोड़ के दूसरे लेसन पे नहीं जाना, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको अभी एडवांस एक्सरसाइज, एडवांस टिप्स दूंगा जिससे आप 21 दिन में हारमोनियम सीख सकते हैं। तो ये पहली एक्सरसाइज थी।
यहाँ पे हमने खाली शुद्ध स्वरों के ऊपर फोकस किया है। शुद्ध स्वरों के ऊपर मैं आपको कुछ मैंने 6 अलंकार बता के दिखाए हैं बैक टू बैक, तो सेम उसी तरीके से आपको भी ये रेडी करने हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए नया लेसन, सेकेंड लेसन लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।